डेली आपको एक ही काम करना है, सवेरे शाम मतलब, पर आपको करना तो पड़ेगा ही। तो 1000 से ऊपर मैच खेल चुके हो, आपने पहली बार देखा होना ऐसे कि थर्ड अंपायर के डिसीजन को ही चैलेंज कर दिया है। अब तो मुझे लगता है कुछ जबरदस्त प्लेयर था ना, क्या बोलूं मैं यार। मैं क्या बोलते ना, गाइडेंस भी इसको दे दी थी पर माना नहीं अगला। पता नहीं अब भाई लव का चक्कर है। आ चुका है अर्नब का फेवरेट। अर्नब कैसे कर रहे थे हम पहले, कैसे करते थे जैसे पनीर है, और ये पनीर आ चुका है, खाएगा अर्नब इसको। चलो अर्नब जल्दी, 5 मिनट का अगर नहीं खत्म हुआ खाना तो फिर टीवी बंद। तो आज है मेरा मैच और चाय बन चुकी इतनी स्ट्रॉन्ग, मतलब क्या बोलूँ मैं, दिखाता हूँ। गले के जितने भी द्वार है ना सारे खोल दिए, इतनी स्ट्रॉन्ग बनी है चाय। और आज है मेरा मैच जो कि मतलब लोकल टूर्नामेंट, जो कि 2018 के बाद मैं शायद अब खेल रहा हूँ टूर्नामेंट्स, क्योंकि यार मैं इन्हीं टूर्नामेंट को खेल के ही मतलब आगे बढ़ाऊँ। और मतलब आपको भूलना नहीं चाहिए कि मैचेस चाहे जैसे मर्जी हो। और आज मैच जा रहा हूँ मैं खेलने छोटी विलायत एक जगह है सोलन से, मतलब 30-35 किलोमीटर दूर, वहाँ जा रहा हूँ खेलने। तो वहाँ पे एक टीम है उनके साथ जा रहा हूँ खेलने, सोलन के ही लड़के सारे मैक्सिमम। और फिलहाल अपने ब्रेकफास्ट का मज़ा ले रहा हूँ, और मैं हो चुका हूँ लेट, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, पर मैं जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा खाने का। चलो फिर, तो संडे का दिन और हम जा रहे हैं यार, ये देखो स्पाटू। तो स्पाटू में ना, पहले मैं बता देता हूँ, स्पाटू में है आपका आर्मी एरिया, यहाँ पे है गोरखा रेजिमेंट, तो जो हमारी सबसे टफ है ना मतलब आर्मी में, जो बोलते हैं ना कि अगर आप जो बोल सकते ना कि भाई क्या था वो डायलॉग है, जोश नहीं यार कि भाई कि बोलते मैं अपनी जान दे सकता हूँ, तो बोलते वो पक्का वो कोई गोरखा सिपाही होना। तो यहाँ तो मतलब वो इनकी रेजिमेंट ना यहाँ पे है स्पाटू में, जो कि सोलन में पड़ता है। और अभी हम इससे आगे जा रहे हैं आधे घंटे आगे, वहाँ पे है कुनिहार जगह, तो छोटी विलायत को बोलते हैं कुनिहार। तो कहावत है बोलते कि ना कुनिहार नहीं बोलते, सुबह सुबह खाना नसीब नहीं होता, पर मैंने कहा सबसे पहले मैं खाना खा लेता हूँ फिर बोलूँगा उसके बाद। तो जस्ट अब चल पड़े हैं, और आज है हमारा मैच, सेकंड राउंड का मैच है, और मैं तो पहली बार जा रहा हूँ खेलने, बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ, पता नहीं कब गया था लास्ट टाइम खेलने। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या बनता है मैच का। मैच है बहुत मज़ेदार, और हमारे साथ जुड़े आज नेगी जी, जो कि स्पेशल देहरादून से आए हुए हैं। तो आपने देखा होना मेरे ब्लॉग में, पर वैसे मेरे साथ ही रहते हैं, आज ब्लॉगों में कम ही आ रहे हैं, थोड़े कैमरा से शाइन है साइन की। नेगी जी ऐसा क्यों है आपके कैमरा से शाइन है? मेरा कैमरा के साथ अच्छा नाता नहीं है। शर्माते हैं, था तो इनका भी ब्लॉगिंग का, बस था ही है, बस हो रहा ही है बेचारे का। मैं क्या करो स्टार्ट। बाकी आगे जाके मैं बताता हूँ आपको क्या रहता है हमारे साथ। और शोकी भाई हमारे जो कोच, मैनेजर, प्लेयर, एवरीथिंग टीम के, तो जो टीम है हमारी वो है कमांडो 11। आज इनकी छुट्टी है, वैसे जॉब करते हैं, मैं बताऊँगा नहीं कहाँ जॉब करते हैं ताकि कल को कंप्लेंट ना हो जाए। तो बस चल पड़े अब, चल पड़े बस अब। ये है हमारा ग्राउंड, यहाँ पे है हमारा मैच, और राहुल आए, राहुल जो कि पहले 16 से खेलता था, अंडर 19-15 क्या खेलता था, अंतिम ओवर लेकर सामना करेंगे। तो मैं तो भाई इसको थक के बोल के थक गया, मैंने कहा यार तू आ जा मत जा शिमला, और ये शिमला गया, उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। तो राहुल भाई का क्रिकेट छूट गया, पर मैंने कहा इतना जबरदस्त प्लेयर था ना, क्या बोलूँ मैं यार। मैं क्या बोलते ना, गाइडेंस की इसको दे दी थी पर माना नहीं अगला। पता नहीं अब भाई लव का चक्कर है ज्यादा, प्यार का चक्कर नहीं भाई। हाँ, मैं तो यही कहूँगा जी कि प्यार का चक्कर रहा जी। तो ये यहाँ पे मैच हो रहा है, बस 5 रन चाहिए जीतने के लिए जी। वो पजामे टाइट रखने की, वेट कम करो बेटा, वो कुछ नहीं होना है। 70-180 ये वाला पजामा टाइट है आपका, जरा दिखाओ जरा। क्यों अंकल है ना, फिट होना पड़ेगा तभी आएगी पजामे छोड़ना आएगी। 500 कम रखना पड़ता है, कम रखना पड़ता है। क्यों राहुल, हाँ ऐसे छोड़ना, अब किलो बन जाना 100 किलो के, तो पजामे कहाँ है बेचारे। इसको देख लो प्रैक्टिस, पता नहीं भूल ही गया कि ग्राउंड में बुना बॉल मैच खिला दो, जितने मर्जी खिला लो। और इसको और फिलहाल हमारी आ चुकी है पहले फील्डिंग, और अच्छा मैच आज। आज दूसरी टीम है चंडीगढ़ की, मतलब चंडीगढ़ का पंजाब की टीम है, और हमारी आ चुकी फील्डिंग। चलो आज फील्डिंग में दिखाते हैं अपना दम।
क्योंकि डू और डाई मैच और हमारी टीम पूरी तैयार। नेगी जी स्लिप कैच कराते हुए और विकेट गोड्डो से ऊपर उठ रही बॉल और स्लिप कैच करा रहे हैं। बहुत पवन संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान खेल रहे हैं और यहाँ पे दर्शक कैसे बोल रहे, दर्शक ही बन चुके हैं नेगी। आप बहुत बढ़िया और नो बॉल हो चुकी है पर दूसरी टीम मान नहीं रही है। बत्रे जी क्या बोलना चाहोगे आप? मैं तो बस यही बोलना चाहूंगा, इस तरह के टूर्नामेंट को अंपायर्स का डिसीजन ला डिसीजन होना चाहिए। इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं इस टीम में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, नो बॉल हो चुकी है। मैं तो बड़े बड़े मैच में इंटरनेशनल में हो जाती हैं गलतियां। बिल्कुल नहीं, गलतियां के तो फेयर है, नो बॉल है, गलतियां तो है ही नहीं। थर्ड अंपायर का लास्ट होता है, दस बार बाहर जाते हैं जो थर्ड अंपायर ने बोल दिया। चलो पहली बार देखने को मिल रहा है ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। बत्रे आपकी लाइफ में आप कितने मैच चेंज कर, अभी तक मेरे ख्याल से 1000 से ऊपर मैच खेल चुके हैं, आपने पहली बार देखा होना ऐसे कि थर्ड अंपायर के डिसीजन को ही चैलेंज कर दिया है। अब तो मुझे लगता है कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट। तो और ये हमारा सामान होता है पैक और अब निकल रहे हैं वापसी सोलन की तरफ को। और हमारी टीम के हीरो पंकज और राहुल चाइलिया बत्रा ज्योतिष का रूप, इनको ज्योतिष का रूप दे दिया है हमने सोलन के ज्योतिष। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो बत्रा जी बता देंगे, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेते हैं। बत्रा जी कितनी बॉल पहले बोला था आपने, बता दो यार, बता दो। दो बॉल पहले और दो बॉल पहले जीते भाई। मैंने कहा ये तो भाई चमत्कार कर दिया इसने। और ये बन गई मेरी मैगी आज शाम की डिनर। मैं डिनर क्या, मेरे को ज़्यादा भूख तो थी नहीं, और मतलब भाई आज मैंने पहली बार बनाई हुई, मतलब वो होती ना फ्राइड वाली मैगी, बहुत स्वाद लग रही। तो सुबह सुबह हम ग्राउंड और आज धूप है बहुत तकड़ी और मैंने पूरे स्वेटर से हो चुका हूँ पूरा पैक, क्योंकि ठंड होगी बहुत। दो स्वेटर पहन लिए, एक और कहाँ दूसरी, अच्छा एक दूसरी, दो स्वेटर से पूरा पैक। अब मारनी है जान, जो रूटीन है ना अपना, रूटीन नहीं छोड़ना कभी भी, और रूटीन के साथ बने रहना है बस, क्योंकि सक्सेस ना आपको ऐसे नहीं मिलती। सक्सेस के लिए ना आपको एक मेन रूटीन है ना वो फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ये बहुत ही गंदा प्रोसेसर है, गंदा है पर अच्छा है, पर अच्छा आपके लिए है क्योंकि डेली आपको एक ही काम करना है, सवेरे शाम, मतलब पर आपको करना तो पड़ेगा ही। तो चल पड़े हम फिर दोबारा से। और केजरी भाई आ चुके हैं हमारे, देख लो जरा नागपुर से आए हुए आज, संतरा बन के देखो तो अपन देखो एक बार।